दोस्तों, धरती पर स्वर्ग के रूप में लोकप्रिय कश्मीर बर्फ से ढके पहाड़ों और चमचमाती झीलों से घिरा हुआ है, जो कि भारत का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। कश्मीर की खूबसूरती को देखते हुए अक्सर इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये अपनी इसी प्राकृतिक सुंदरता व यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे अमरनाथ और वैष्णो देवी मंदिर के कारण हर साल यहाँ कई हजार भारतीय और विदेशी पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। तो चलिए इस वीडियो से आपको यहाँ के कुछ लोकप्रिय जगहों के बारे में बताते हैं। श्रीनगर। श्रीनगर कश्मीर के साथ साथ भारत में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध जगहों में से एक है। बोटिंग से लेकर ट्रैकिंग तक, बर्ड वॉचिंग से लेकर वाटर स्काइंग तक, श्रीनगर में आपको सब कुछ करने को मिल जाएगा। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित प्राकृतिक स्थलों का खूबसूरत दृश्य पेश करता है, जो पर्यटक के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण डल झील है, जिसे शहर का रत्न कहा जाता है। डल झील के साथ साथ मुगल गार्डन और निषाद बाग यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। और तो और, यह स्थान कश्मीरी व्यंजनों और अपनी संस्कृति के लिए भी फेमस है। चलिए अब बात करते हैं लेह लद्दाख के बारे में। लेह गर्मियों में कश्मीर में घूमने के लिए सबसे अच्छी और सुरक्षित जगहों में से एक है। इस जगह पर बाइक से आना हर बाइक लवर का सपना होता है। यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है। यदि आप कश्मीर की यात्रा करते हैं तो आपको लेह भी जरूर घूमना चाहिए। जास्कर घाटी, पेंगोंग सो लेक और कारगिल यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। और तो और, यहाँ पर आप ट्रैकिंग जैसी मजेदार एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं गुलमर्ग के बारे में। जी हाँ, समुद्र तल से 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे भरे घास के मैदान और सदाबहार जंगलों वाली पहाड़ियों और घाटियों से घिरा हुआ है। गुलमर्ग को भी कश्मीर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। ये जगह अपने स्कीइंग एक्टिविटी और गंडोला राइड के लिए भी बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ दिखने वाली बर्फ बेहद ही खूबसूरत होती है। गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व, स्ट्रॉबेरी फील्ड और अपहर्वत पीक यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। चलिए अब बात करते हैं पहलगाम के बारे में। पहलगाम को पृथ्वी पर स्वर्ग का एक उदाहरण माना जाता है, जो 2740 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह श्रीनगर से 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और घने जंगलों, खूबसूरत झीलों और फूलों के घास के मैदान से घिरा हुआ है। यह छोटा सा शहर आपके सभी तनाव को दूर करने के लिए जाना जाता है और इसीलिए यह जगह कश्मीर की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। पहलगाम लीदर झील में रिवर राफ्टिंग, गोल्फिंग और पारंपरिक कश्मीरी वस्तुओं की खरीदारी के लिए भी प्रसिद्ध है। बेताब घाटी, मामल मंदिर, शेषनाग झील यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। अब इस लिस्ट में नंबर आता है पुलवामा का। पुलवामा श्रीनगर जिले का एक छोटा शहर है, जहाँ आप सेब के बाग, झरने और प्राकृतिक घाटियाँ देख सकते हैं। प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के साथ साथ पुलवामा शहर इसके आसपास कई लोकप्रिय मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। गर्मियों में ट्रैकिंग, सर्दियों में स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वैष्णो माता मंदिर की। त्रिकुटा पहाड़ियों में कटरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 1560 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माता वैष्णो देवी का पवित्र गुफा मंदिर है। माता वैष्णो देवी मंदिर कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत का लोकप्रिय तीर्थ स्थल है, जहां हर साल हजारों लाखों तीर्थयात्री वैष्णो माँ के दर्शन के लिए आते हैं। आपको बता दें कि वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल है, जहां तीर्थयात्री 13 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करते हैं। चलिए अब बात करते हैं पटनी टॉप की। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के अंतहीन मैदानी और मनोरम दृश्यों के साथ पटनी टॉप प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बेस्ट जगह है। ये जगह कश्मीर के प्रमुख आकर्षण में से एक है, जहां हर साल हजारों पर्यटक यहां घूमने के लिए आते हैं। यहां पर भी आप ट्रैकिंग और स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा यहां पर 17 किलोमीटर पैराग्लाइडिंग बेस भी मौजूद है, जिसे आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं। इसीलिए पटनी टॉप पर्यटकों के लिए कश्मीर में घूमने के लिए सबसे आकर्षक जगहों में से एक बना हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जम्मू के बारे में। जम्मू शहर वाकई में कश्मीर क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। जैसा कि आप जानते हैं, यह शहर माता वैष्णो देवी मंदिर की उपस्थिति से संपन्न है, जो हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। और तो और, जम्मू को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई धार्मिक स्थल हैं, जिनमें पीर बाबा मंदिर, महामाया मंदिर और पीर खो शामिल है। आध्यात्मिक जगह के अलावा यह शहर प्राकृतिक आकर्षण और उबर खाबड़ बहु किले से सुशोभित है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।